हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं आया हूँ दिल्ली गेट और आज मैं फिर से एक कवर करने वाला हूँ, एक हिस्टोरिकल प्लेस को जो है मैं आज फिर से कवर करने वाला हूँ। और जब भी मैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस को कवर करता हूँ ना, सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैं आया हूँ फिरोज़ शाह कोटला फोर्ट और यहाँ की जो हिस्ट्री है ना, बहुत ही मज़ेदार है, जो कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और इसके अंदर जो है आपको बावली देखने के लिए मिल जाएगी और मस्जिद देखने के लिए मिल जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। और इसे एक हॉन्टेड किला बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, पहले टिकट लेते हैं, उसके बाद जो है इसके अंदर घुमाते हैं और बोलते हैं कि इसके अंदर जो है जिन्नात का साया है। तो गाइज, यहाँ से आप देखेंगे ये फिरोज़ शाह कोटला की मेन एंट्री है और सामने आप देख सकते हो ये है फिरोज़ शाह कोटला फोर्ट। वो सामने आप जो देख रहे हैं वो है फिरोज़ शाह कोटला फोर्ट, जहाँ हम जाने वाले हैं। और ये है इसकी पार्किंग, ये पार्किंग आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है पार्किंग भी अवेलेबल है, अगर आप गाड़ी से आते हो तो यहाँ आप अपनी जो है गाड़ी पार्क कर सकते हो। तो अभी हमें चलना है टिकट लेने के लिए, तो टिकट लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। गाइस, आप ये देख सकते हो ये है किले का मेन एंट्री गेट और इधर है टिकट काउंटर। तो हम जो है पहले चलते हैं टिकट लेने के लिए और उसके बाद जो है आपसे बात करते हैं। तो ये जो है इसका टिकट काउंटर है। गाइस, फाइनली हमने जो है टिकट ले लिया है और टिकट जो है वो 25 रुपीज़ की मुझे पड़ी है। और धूप बहुत तेज़ है और धूप में जो है हिस्टोरिकल प्लेस को कवर करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है मैं चलूँगा। तो चलिए मैं आपको जो है अंदर लेके चलता हूँ। गाइस, अभी हम चले हैं किले के अंदर और ये जो है इसका मेन एंट्री गेट है और यहाँ पर जो है हमारी टिकट चेक होगी और उसके बाद जो है हम अंदर चलेंगे। तो यहाँ जो है हमारी टिकट चेक होगी। गाइस, हम जो है किले के अंदर आ चुके हैं और मेरी जो है टिकट वो चेक हो चुकी है। तो अब मैं आपको घुमाऊंगा ये किला और ये पूरा किला आप देख सकते हो, खंडर किला है और इसकी जो है हिस्ट्री मैं अभी जो है आपको बताऊंगा। तो फाइनली दोस्तों, मैं किले के अंदर आ चुका हूं और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो किला है वो किला क्यों बनवाया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो फिरोज़ शाह तुगलक है वो तुगलक वंश के जो है तीसरे शासक हैं। पहले थे ग्यासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने तुगलकाबाद फोर्ट बनाया था, मैंने वहाँ का ब्लॉग बना रखा है। और दूसरे थे मोहम्मद दीन तुगलक, जिन्होंने जो है आदिलाबाद किला बनाया था, वो किला अभी मैंने आपको दिखाया नहीं है, वो आपको ज़रूर दिखाऊँगा मैं। और तीसरे शासक जो थे वो थे फिरोज़ शाह तुगलक, जिन्होंने ये वाला किला बनाया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो किला है ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि वो जो दो किले थे ना, तो उन दोनों किलों में जो है पानी की दिक्कत थी। तो ये जो किला है ये यमुना नदी के पास में है, तो इसलिए जो है यहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए जो है इस किले को बनाया गया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ रंस ऑफ पैलेस, जिसे किंग प्लेस भी बोला जाता है। गाइस, आप ये देख सकते हो पूरा किला, ये एक खंडर किला है, देख सकते हो किस तरीके से जो है ये पूरा किला जो है तहस नहस हो चुका है। अगर आप इसके चारों तरफ देखेंगे ना, तो ये ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर की जो है थोड़ी हालत अभी ठीक है। तो अभी जो है हम अंदर चलते हैं और सबसे पहले जो मैं आपको किंग प्लेस दिखाता हूँ यहाँ का। तो दोस्तों, यहाँ से जो है आप इस बोर्ड को पढ़ सकते हो, रंस ऑफ पैलेस। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये जो है किंग प्लेस हुआ करता था, जिसको बोला जाता है रन ऑफ प्लेस, यानी राजा के रहने की जगह। तो ये आप जितना भी देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर पूरा जो है ये पूरा जो है रन ऑफ पैलेस है। और अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे से जो है मैं छेद दिखा रहा हूँ आपको, ये देख सकते हो आप, ये और जूम कर देता हूँ, ये जो है, तो इनसे क्या होता था, यहाँ पर जो सैनिक होते थे ना, सैनिक, तो वो क्या करते थे, तीर चलाते थे। अगर जैसे किले पे कोई आक्रमण होने वाला है तो वो जो है बाहर की तरफ को जो है तीर चलाते थे किले की रक्षा करने के लिए। तो जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हो ना, उसमें ऐसा बना हो तो वो जो है सिक्योरिटी गार्ड उनको जो है वहाँ से तीर चलाया करते थे। तो यहाँ से जो है मैं आपको और अंदर से थोड़ा दिखा देता हूँ, ये पूरा आप देख रहे हो ना, ये देखो किस तरीके से जो है पूरा खंडर हो चुका है। और अभी जो है मैं आपको मस्जिद भी यहाँ की दिखाऊँगा, यहाँ से ये देख सकते हो, ये जो है राजा के रहने की जगह हुआ करती थी पूरी। और ये जो दीवारें देख रहे हो ना, अभी तो थोड़ी थोड़ी जो है गिर गई हैं, और वो देख रहे हो ये जो है दीवारें 15 मीटर ऊंची हैं, यहाँ की जो दीवारें हुआ करती थी 15 मीटर ऊंची हुआ करती थी। और अब जो है मैं आपको यहाँ से लेकर चलूँगा मस्जिद दिखाने के लिए, जिसको जामी मस्जिद बोला जाता है, और वहाँ पर जो है आज भी नमाज होती है जुम्मे के दिन। और वो जगह मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत ही अच्छी जगह है ये,
फिलहाल खंडर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अब भी लोग घूमने आते हैं। और ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ पर जो है आज भी लोग बोलते हैं कि वहाँ पर जिन्नात रहते हैं और लोग अपनी मन्नतें लेकर वहाँ पर आते हैं, लेटर चिपकाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर रखते हैं। तो अभी जो है मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, पहले मैं आपको मस्जिद की तरफ लेकर चल रहा हूँ। तो ये वाला भी एरिया जो आप देख रहे हैं, ये जो है किंग प्लेस का ही एरिया था। यहाँ पर भी जो है ये पूरा किंग प्लेस का एरिया था। और ये देखो अब जो है पूरा खंडर हो चुका है। तो अभी जो है मैं आपको लेके चल रहा हूँ मस्जिद की तरफ, और वो जगह दिखाने के लिए जहाँ पर जो है आज भी जिन्नात रहते हैं, ये लोगों का मानना है। और यहाँ पर जो है अशोक स्तंभ भी मैं आपको दिखाऊँगा, बावली भी दिखाऊँगा। तो सबसे पहले जो है मैं आपको मस्जिद की तरफ लेके चलता हूँ और मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। ये जो है पूरा अंदर तक देख सकते हो, कोई भी नहीं अंदर इसके। और ये जो है इस जगह को जो है बोलते हैं लोग, यहाँ पे जो है ताले भी लटका के जाते हैं, देख सकते हो। ये जो है ताला भी लगा के जाते हैं और इसके अंदर जो है चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है। और यहाँ से भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है अभी। तो ये देख सकते हो ये जो है पूरा एरिया है, यहाँ पर जो है लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, ये देखो। और इन सारे गेटों को जो है बंद कर रखा है, अलाउ है नहीं इनके अंदर जाना। अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो है चमगादड़ों की ही आवाज़ है। ये देखो ये पूरे अंदर का नज़ारा है, और अकेले तो यहाँ जाना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जब भी मैं इधर आ भी गया, ये देख सकते हो। और अभी जो मैं आपको उस साइड से दिखाता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे देखो आज भी लोग जो है यहाँ पे जो है पूजा करने आते हैं और अपनी अपनी जो है मन्नत मांगते हैं। पहले जो है यहाँ पे लेटर भी लगे हुए थे, अब यहाँ पे जो है लेटर भी लगाते हैं लोग और भी बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर चढ़ाते हैं। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर जो है आज भी जिन्नात रहते हैं और लोग यहाँ पे जो है अपनी अपनी जो है मन्नत मांगने आते हैं और अलग अलग तरीके से जो है अपना पूजा और दुआ करते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पूरी धूप हो रही है, पसीना पसीना हो गया है। और अभी जो है मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ यहाँ की। दोस्तों ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हो ये जाता है मस्जिद की तरफ, और यहाँ पर जो है पानी की भी पूरी व्यवस्था है वज़ू करने के लिए। और यहाँ से जो है हम चल रहे हैं मस्जिद की तरफ, और मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। और ये वाली वो जगह मैंने आपको दिखाई थी जहाँ पर आज भी जिन्नात रहते हैं, और देख सकते हो किस तरीके से जो लोग यहाँ पे अपने अपने, देखो कोई लेटर लिपका के चिपका के जाता है, कोई देखो दिया जलाता है, कोई ये देखो यहाँ पे अभी पूजा कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से जो है अपनी मन्नतें मांगते हैं, और लोगों का कहना है कि पूरी भी होती है। तो दोस्तों यहाँ से जो है ये जीना जाता है मस्जिद की तरफ, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से जो है मैं आपको मस्जिद दिखाने वाला हूँ, और शू मैंने इधर अपने उतार दिए। तो ये जो है आप पूरा मस्जिद देख सकते हो, फिलहाल तो ये अभी खंडर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आज भी नमाज होती है। ये आप पूरे मस्जिद का व्यू देख सकते हो, ये देखो ये जो है पूरा मस्जिद है। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है पानी पीने की भी जो है व्यवस्था है पूरी। और यहाँ देखो ये पूरा मस्जिद, पहले जो है मस्जिद ये अच्छा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जो है खंडर हो गया, तो इस तरीके का कुछ दिखता है। बीच में देख सकते हो पूरा खाली है, और उस साइड आप देख सकते हो उस साइड जो है रोड है। और मैं नंगे पैर हूँ, धूप बहुत तेज है तो पैर भी जल रहे हैं। और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है नमाज़ की टाइमिंग लिखी हुई है, ये यहाँ से आप जो है नमाज़ की टाइमिंग भी देख सकते हो। और ये पूरी जो है मस्जिद आप देख सकते हो, ये है अशोक स्तंभ, ऊपर आप देख सकते हो ये अशोक स्तंभ है। और यहाँ से देखोगे तो ये तीन मंजिल है, 1, 2 और 3, तो ये तीन मंजिल बना हुआ है। लेकिन पहले क्या होता था कि इसके ऊपर जाना अलाउ था, लेकिन अब जो है इसके ऊपर जाना अलाउ नहीं है, इसको बंद कर रखा है।
और टिकट जो है पूरी ली है, लेकिन ये बंद है, ये गलत बात है। तो ये देख सकते हो, और अभी जो मैं अंदर जाके आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसको लॉक कर रखा है। और अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो शायद आपको अगर दिख रहा होगा तो कैमरे में, तो ये देख सकते हो इस पर जो है कुछ लिखा भी हुआ है। और अभी अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। तो गाइज अभी जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ बावली, यहाँ की जो बावली है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और बावली की तरफ जो है मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। और बहुत तेज़ धूप है गाइज, देख सकते हो आप मेरे फेस को पसीना पोछ पोछ के जो है मैं परेशान हुए जा रहा हूँ। और यह पूरा व्यू देख सकते हो यहाँ का बाहर का, सामने जो है रोड है उस साइड। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ बावली की तरफ। तो आप जो है यहाँ से इस बावली के बारे में जो है पोज करके पढ़ सकते हो, आप पोज करके पढ़ लेना। और ये जो है ये है बावली, और यहाँ से जो है मैं आपको इस बावली का जो है अंदर का लुक दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से जो है बावली दिखाई देती है। और इधर आप देखेंगे ना, ये देखो पूरा फोर्ट जो है खंडर हो चुका है, देख सकते हो। और तो ये जो है बावली का मेन गेट है, इसके अंदर जाना अलाव है नहीं, लॉक लगा रखा है। तो यहाँ से जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से आप देख सकते हो ये जो है पूरी बावली है, अंदर की दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत गहरी बावली है ये, देख सकते हो। और यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि यहाँ से जो है कुछ टाइम, मतलब कुछ टाइम तक यहाँ से जो है पानी पार्क में भी पहुँचाया गया है, जो कि इन लोगों ने ही पहुँचाया है। और अब जो इसके अंदर शायद पानी ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ से जो है पार्क में भी पानी जाता था। ये देख सकते हो पूरी बावली, और बहुत ही ख़तरनाक बावली है ये। अगर इसके अंदर जाने का, अगर अंदर जाना अलाउ होता ना तो मज़ा आ जाता कसम से। ये देख सकते हो ये पूरी जो है बावली का नज़ारा है, इसके अंदर जाना लेकिन अलाउ है नहीं। तो फाइनली दोस्तों मैंने जो है आपको पूरा फिरोजशाह तुगलक फोर्ट जो है वो घुमा दिया है, और अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। एंड गाइज आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।